दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई कॉलेज स्टोरिया डॉट इन। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो एमबीए कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में, कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in and for more contact detail you can check the description box below। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आज अकेडमी जय में, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अत्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। आज के इस वीडियो में मैं इस कॉलेज का फुल एंड प्रीव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को वैसे लेकर लास्ट तक देखते रहिए। पहले हम बात करते हैं कैंपस से। तो कैंपस इसका एस्टैब्लिश हुआ था 2000 में, हेब्बाल बैंगलोर कर्नाटका इंस्टीट्यूट। आपको हेब्बाल आपको एक सिटी है लंका के बाद, ठीक है, हमारे कॉलेज के पास में है वो, तो वहां पे आपको इंस्टीट्यूट है, एरिया सॉरी सिटी नहीं एरिया, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज है, आपको नॉन ऑटोनोमस है, एफिलिएटेड है वीटीयू से, एआईसीटीई एनबीए अप्रूव्ड है। 70.5 एकड़ से जैसा कैंपस, ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, छोटा सा कैंपस है जिसके अंदर आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, सारे तरह के लैब्स मिल जाते हैं, ऑडिटोरियम मिल जाता है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हॉस्टल है, सेमिनार हॉल है, डिजिटल क्लासरूम्स है, मतलब कि सारे क्लासरूम्स में आपको प्रोजेक्टर लगा हुआ है, रिसर्च सेंटर है, और साथ में आपको स्टेशनरी भी मिल जाता है कैंपस के अंदर में। कैंपस के कुछ पिक्चर्स आप देख लीजिए, ठीक है। इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको इसका कैंपस जो है मेन सिटी में सिचुएटेड है, ठीक है, आपको सिटी मतलब जो मेन रोड है बैंगलोर का, जो सिटी वाला जो मेन रोड है जो आपको मजेस्टिक जाता है वालसा मजेस्टिक, उस रोड पे सिचुएटेड है, तो बहुत अच्छा एडवांटेज है ये एक, और ज्यादा आपको डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे तो, और आपको ट्रैवलिंग का भी ज्यादा इशू नहीं होगा, सिटी से जुड़े रहेंगे आप, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये, तो कुछ पिक्चर्स आप देख लीजिए, बाकी आप इसका डिटेल्ड कैंपस टूर आप इनके वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। मुझे पर्सनली इसका कैंपस उतना अच्छा नहीं लगा, आप देख के बताइएगा मुझे कि आपको इसका कैंपस कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर खराब लगा, ठीक है। एनआर रैंकिंग की बात करते हैं, तो अब तक कोई इसको एनआर रैंकिंग नहीं मिली है। कोर्सेज क्या क्या कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। बी मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, और बेसिकली हमारा यही बात इसी पे फोकस होगा, बीई पे। तो यहाँ पे अगर आप बीई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो 10+2 पास होना पड़ेगा आपको पीसीएम के साथ, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में आपको 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में, तभी आप इसमें एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग करने के लिए, वरना आप इसमें एलिजिबल नहीं होते इंजीनियरिंग करने के लिए। कैसे कैसे आप इसमें इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको दो एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमेट की, केएससीटी, और अगर आपको इन दोनों एग्जाम्स के थ्रू आपको अपना प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिल रहा होगा, अगर आपको अच्छा रैंक नहीं आया है इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर आपने इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ दिया है, नहीं दिया है, पर फिर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट एडमिशन से भी आ सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा से भी जा सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं, तो उस कॉन्टैक्ट डिटेल पर बात कर लीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स आपको एडमिशन दिलवा देंगे, साथ ही में सारा प्रोसेस फी वगैरह सब बता देंगे, तो आप एक बार उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, स्ट्रीम्स कौन कौन से है आपको इंजीनियरिंग के अंदर, कौन कौन से स्ट्रीम्स आप कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस कर सकते हैं यहाँ से, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ये सारे ब्रांचेज आप यहाँ से कर सकते हैं, ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है, मेन मेन जो कोर ब्रांचेज है वही आपको मिलता है। हॉस्टल के बारे में बात करते हैं, तो बॉय हॉस्टल साथ में गर्ल्स हॉस्टल दोनों आपको कैंपस के अंदर में है, और दोनों में आपको शेयर्ड रूम्स मिल जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ कम्युनिटी का सीएससी का 2021 की बात करेंगे हम, क्लोजिंग रैंक तो 40,258 पे क्लोज हुआ था, आईएससी का 37,044 पे क्लोज हुआ था, ईसी का 39,054 पे क्लोज हुआ था। देख सकते हैं कट ऑफ बहुत नीचे आता है, ठीक है, तो आपको बहुत कम रैंक भी आया है गवर्नमेंट की में, आप लोअर रैंक में भी हैं तो आपको ये कॉलेज आराम से मिल सकता है, बट स्टिल आप देख लीजिए इस वीडियो को पूरा, तभी आप क्लियर होगा कि इस कॉलेज में एडमिशन वर्थिट होगा या फिर नहीं होगा। फीस के बारे में बात करते हैं, तो फीस यहाँ पर इनके वेबसाइट पर सब कुछ दिखाया गया है कि बी अगर आप करना चाहते हैं सीईटी से, मतलब के सीईटी से, तो कितना फी लगेगा, फिर आपको बी अगर आप करना चाहते हैं कॉमेट के से तो आपको कितना फी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है कॉमेट के का 1,43,748 फी पर ईयर, ठीक है, कॉमेट के थ्रू अगर आप बी करना चाहते हैं तो 1,43,748 रुपीज लगेगा, और इसके नीचे वेबसाइट पर लिखा गया है 30,000 यूनिवर्सिटी फी लगेगा वन टाइम, ठीक है,
आपको पर ईयर जो है 30,000 भी लगेगा वन टाइम, तो वो जो है आपको टोटल जोड़ के आपको 1,73,748 रुपीज आएगा। मतलब आप अप्रोक्सीमेटली मांग चल सकते हैं 1.75 लाख अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। ठीक, हम देखते हैं कॉमेडी का फीस तक क्या आता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉलेज वेबसाइट यहाँ पे आपको 1,75,000 करीब में फी लगने वाला है अकेडमी फी पर ईयर। बात करते हैं आपको हॉस्टल एंड मेस फी का, मतलब अकोमोडेशन फी का, तो हॉस्टल फी जो है आपको लगेगा 93,500 पर एनम विथ ₹5,000 वन टाइम रिफंडेबल कॉस्ट एंड डिपॉजिट इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको जो है 5,000 रिफंडेबल कॉस्ट एंड डिपॉजिट देना पड़ेगा आपको हॉस्टल में, और वो आपको वापस मिल जाएगा जैसे आप हॉस्टल छोड़ते हैं तो। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हॉस्टल फी और मेस फी और साथ में अकेडमिक फी तीनों मिला के आपको टोटल लगभग यहाँ पे 11 लाख आएगा। तो फी बहुत ही अफोर्डेबल है, फी बहुत कम है कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस, कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंगलोर कॉलेजेस, तो उनके इसके फी बहुत ही कम है और बहुत ही अफोर्डेबल है, इस फी को कोई भी अफोर्ड कर सकता है, बहुत ही कम फीस है। ठीक है, बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हाईएस्ट पैकेज इस ईयर जो लगा 2021-22, मतलब जो इस ईयर प्लेसमेंट हुआ उसमें उस बैच का, तो 14 लाख पर एनम लगा और एवरेज पैकेज 7.84 लाख पर एनम लगा। ठीक है, आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाया गया है, बट ऐसा ये रियलिटी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये रियलिटी नहीं है, दिखाया गया, मैं आपको दिखाता हूँ उनके वेबसाइट पे। ज्यादा यहाँ पे ऑफर्स भी नहीं आता, ज्यादा बच्चा प्लेस भी नहीं होता है, तो इस कारण से एवरेज जो इनका हाई रहेगा। ठीक है, और प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज देख सकते हैं आप 14 लाख पर एनम ही है, बट इन्होंने एवरेज पैकेज दिखाया है 7.84 लाख पर। ठीक है, और बच्चों से मैंने रिव्यू लिया है, उतना अच्छा इसका पैकेज नहीं है, ये लिफाफे करके दिखाया गया है, ये रियल चीज नहीं दिखाया गया है, इस चीज को लेकर आप क्लियर रहिएगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके वेबसाइट देख लीजिएगा, तो टोटल स्टूडेंट सीएससी में 130 है। ठीक है, पढ़ रहे हैं 130 और इसमें रजिस्टर किए 120। लोएस्ट सैलरी 3.6 लाख पर एनम, कंपनी क्वेस्ट ग्लोबल। ठीक है, एवरेज पैकेज लगा 7.84 लाख पर एनम, कंपनी कैपजेमिनी। हाईएस्ट पैकेज 14 लाख पर एनम, कंपनी फोन पे, कंपनी विजिटेड 84। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफर्स 80। देख सकते हैं आप टोटल कंपनीज, सिर्फ 84 कंपनीज आए, टोटल 120 बच्चे ही यहाँ पे रजिस्टर किए, तो चूंकि यहाँ पे कम बच्चे रजिस्टर करते हैं, कम ऑफर आता है, तो इस कारण से जो एवरेज होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस कारण से इनका प्लेसमेंट एवरेज ज्यादा है। देख सकते हैं आप सीएससी का 7.84 है, फिर आईएससी का भी 7.84 है, ईसी का 7.84 है, और मैकेनिकल से करना चाहते हैं 3.2 लाख पर एनम है, सिविल का 2.8 लाख पर एनम। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं, और हाईएस्ट पैकेज भी दिया गया है 14 लाख पर एनम है तीनों का, तीनों ब्रांचेस का, बाकी 4 लाख पर एनम, फिर 4.8 लाख पर एनम, फिर 5.1 लाख पर एनम एमबीए का। ठीक है, तो बाकी सारे ऑफर्स वगैरह सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं डिटेल में। और मेजर कंपनी जो है इनके ये है, ये सारे इनके मेजर रिक्रूटर्स हैं, अमेजन है, श्री अवदिति, बिल्डर्स, बॉस, रिना, कब्जी मिनी, कॉग्निजन, डेल, एचपी, इन्फोसिस, आईबीएम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मोस्टली जो है आपको मास रिक्रूटर है, एक दो को छोड़ के, जैसे इन्फोसिस हो गया, एचपी हो गया, इन सभी को छोड़ के मास रिक्रूटर्स मोस्टली आते हैं। ठीक है, तो उतना ज्यादा एमएनसीज यहाँ पे नहीं आता है। अब देखिए, मुझसे आप पूछे कि भैया इस कॉलेज में एडमिशन वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा, आपको इसको मैंने इस कॉलेज के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस कैसा है, फी कैसे कितना लगता है आपको, फिर आपको कोर्सेज कौन कौन से मिलते हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है, तो सब कुछ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना वर्थ इट नहीं होगा, बट चूंकि यहाँ पे बहुत कम रैंक में हो रहा है, तो जिस रैंक पे हो रहा है, जितना रैंक पे इसमें हो रहा है आपको, उसमें ये ठीक ठाक कॉलेज है। ठीक है, बट अगर आप देखिएगा कि आप जिस आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसमें आप इसको ऊपर रख देते हैं, तो उसमें गलती करते हैं आप, इसको नीचे रखिए। ठीक है, अगर आपका रैंक खराब है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कॉमेडी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि जो नीचे कॉलेजेस हैं, जो लोएस्ट रैंक में मिलते हैं, उनमें से ये बेटर एक कॉलेज है। ठीक है, तो आपको क्लियर होना पड़ेगा, अगर आपका रैंक कम है तो आपको ये कॉलेज मिल रहा है, और इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ठीक है। वरना अगर आपका रैंक थोड़ा अच्छा है, जैसे 20,000 है, 25,000 है, तो उसमें दूसरा कॉलेज भी अच्छा अच्छा मिलता है, तो उन सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, वरना आपका रैंक बहुत कम है, 40,000 है, 35,000 है, 30,000 के नीचे है, तो उस केस में आपके लिए ठीक ठाक कॉलेज है, क्योंकि अगर आपका रैंक कम आया है तो उस रैंक पे आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उतना भी अच्छा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो कि आपको बहुत अच्छा आउटकम देगा, जो कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 30,000 रैंक आता है, आपको टॉप 20 में तो मिलेगा नहीं, डिफिकल्ट होगा, अब आप टेक ब्रांच को छोड़ के अगर आप दूसरा ब्रांच लेते हैं तो उसमें मिल भी सकता है, बट टेक ब्रांच में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपका रैंक कम है तो उस रैंक जो जिस रैंक पे ये कॉलेज मिल रहा है उस रैंक के लिए ठीक है, वरना ऐसे ओवरऑल कॉलेज उतना ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस बात को लेकर आप क्लियर रहेगा, आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया, और कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आपको कोई और कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस कॉलेज का रिव्यू वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा, अगर फोन नया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।